गॉडज़िला ने अब तक बहुत सारे मॉन्स्टर्स को बीट डाउन किया है और उन एनिमीज में से कुछ बाद में जाकर बनते हैं अच्छे दोस्त एलायस, जो डिफिकल्ट बैटल्स में उसे हेल्प करते हैं। नॉर्मली गॉडज़िला को अपने ओपोनेंट से अकेले ही भिड़ने का शौक है, क्योंकि गॉडज़िला को लगता है कि सिर्फ इस तरीके से वो उन्हें उनकी असली औकात दिखा सकता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशंस हाथ से निकल जाते हैं और तब काम में आते हैं गॉडज़िला के एलायस, जो अगर गॉडज़िला के साथ लड़ते हैं तो फिर वो किसी भी बैटल का रुख बदल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गॉडज़िला के कुछ एलायस के बारे में, जिनके साथ उसने पास्ट में कभी ना कभी टीम अप किया है और फ्यूचर में वो हम लोग को दिखने वाले हैं किसी तगड़े टाइटन्स के अगेंस्ट फाइट करते हुए या फिर एनिमी टाइटन्स के एक एंटायर आर्मी के अगेंस्ट लड़ते हुए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस चैनल पर मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। मॉथ्रा, जिसे कहा जाता है द क्वीन ऑफ मॉन्स्टर्स, और इसके पीछे सॉलिड रीजंस भी हैं। मॉथ्रा का ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर एक जायगेंटिक मॉथ के जैसा है, लेकिन उसके पावर्स फीनिक्स के जैसे हैं, जिसका डेथ होने के बाद अपने बॉडी एसेस से फिर से रीबर्थ होता है। मॉन्स्टर्स के यूनिवर्स में मॉथ्रा ही वो पहली टाइटन है जिसके साथ गॉडज़िला टीम अप करता है। लेकिन इनके पहले अपीयरेंस में ये एक दूसरे के दुश्मन थे। इंडोनेशिया के एक टेम्पल में एक जायंट एग का स्ट्रक्चर एंशियंट टाइम से एग्जिस्ट करता था। एक दिन उस स्ट्रक्चर के ऊपर एक लाइटनिंग अटैक होता है और उसी स्ट्रक्चर के अंदर से निकलती है मॉथ्रा, जिसे इंडोनेशियन लैंग्वेज में कहा जाता है गिवर ऑफ लाइफ। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो फिर उसके पास स्टिंगर है, उसका ड्यूरेबिलिटी और स्टैमिना ऑलमोस्ट एक अल्फा टाइटन के जैसा है। और अगर उसके स्पेशल अटैक्स की बात की जाए तो फिर उनमें से सबसे फेमस है लाइटनिंग अटैक्स, टेलीपैथी और एंटेना बीम्स। मॉथ्रा गॉडज़िला एक्स कॉन्ग में फिर से रिटर्न करने वाली है और ये देखना सच में इंटरेस्टिंग होगा कि वो किस तरीके से गॉडज़िला और कॉन्ग को हेल्प करती है शीमो और स्कार किंग के जैसे टाइटन्स को डिफीट करने में। गॉडज़िला को अगर अर्थ का कोई मॉन्स्टर नेक टू नेक टक्कर दे सकता है तो फिर वो है कॉन्ग। मॉन्स्टरवर्स में अगर गॉडज़िला सुपरमैन है तो फिर कॉन्ग है बैटमैन, एक गार्गेंचुअन प्राइमेट जो अब तक स्कल आइलैंड को अपने कंट्रोल में रखता है। वो अपने फैमिली का लास्ट सर्वाइवर है जो अपने से कमजोर मॉन्स्टर्स को हेल्प करता है, ह्यूमैनिटी को वो प्रोटेक्ट करता है और वो गॉडज़िला से अपने एंसेस्टर्स के ऑनर में फाइट करता है, जिस फाइट के बाद इन दोनों स्पीसीज के बीच का राइवलरी खत्म हो जाता है और स्टार्ट होता है इन दोनों के बीच म्यूचुअल रेस्पेक्ट। ये दोनों एक साथ कर अपने से भी तगड़े टाइटन मेका गॉडज़िला को खत्म करते हैं। और अभी फिर से ये दोनों टीम अप करने वाले हैं हॉलो अर्थ की सबसे पावरफुल टाइटन और मॉन्स्टरवर्स का सबसे खिसका हुआ टाइटन को डिफीट करने के लिए। रोडैन, मॉन्स्टरवर्स के आसमानों में दिखने वाला रोडैन सबसे डरावना मॉन्स्टर है, एक जायगेंटिक टिरानोडॉन काइजू जो प्री हिस्टोरिक टाइम से ही अर्थ पर एग्जिस्ट करता था। और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि सिर्फ उड़ने से ही वो साइक्लोन को क्रिएट कर सकता है। उसके स्पेशल अटैक का नाम है यूरेनियम हीट बीम और उसका बॉडी स्ट्रक्चर गॉडज़िला के एटॉमिक ब्रेथ अटैक को झेल सकता है। मॉन्स्टरवर्स में वो एक फायर वोल्केनिक क्रिएचर है जिसके बॉडी से मैग्मा फ्लो होता है। अगर गॉडज़िला एक्स कॉन्ग में रोडैन का अपीयरेंस होता है तो फिर शीमो को डिस्ट्रैक्ट करने में गॉडज़िला को एक अपर हैंड मिल जाएगा। किंग सीजर, जापान के अजूमी रॉयल फैमिली यहीं के एक लोकल आइलैंड पर रहते थे। एक दिन जब मेनलैंड का एक टेररिस्ट ग्रुप इस आइलैंड के सारे लोगों को मारने के लिए अटैक कर देते हैं, तब इस अजूमी फैमिली की एक लड़की अपने घर में रह रहे एक एंशियंट स्टैचू के सामने आकर प्रे करती है और यहीं पर किंग सीजर का पहला अपीयरेंस होता है। किंग सीजर जापान के अजूमी फैमिली का रॉयल प्रोटेक्टर है। अगर 1 to 5 के स्केल में किसी टाइटन के पावर्स को रैंक करना हो तो फिर किंग सीजर लेवल 3 का टाइटन है। वो एक जायगेंटिक ह्यूमन लायन है जिसके पास मॉन्स्टर लेवल फिजिकल स्ट्रेंथ है, कॉन्ग के जैसा ही इंटेलिजेंट है और अगर स्पेशल पावर्स की बात की जाए तो फिर उसके पास गॉडज़िला के न्यूक्लियर ब्रेथ की ही तरह लाइटनिंग बीम है। एनर्जी बीम्स को वो अपने आंखों में कैप्चर कर सकता है और फिर वो उन्हीं को अटैक में यूज कर सकता है। लेकिन किंग सीजर का सबसे पावरफुल अटैक है एक्सोसिज्म, जिनसे वो गॉडज़िला तक को पोजेस्ट कर चुका है। सीजर एक प्रोटेक्टर है जिसने बहुत बार गॉडज़िला के साथ टीम अप किया है। मैंडा, मैंडा एक सी ड्रैगन है और वो एक अंडर सी एम्पायर म्यू का प्रोटेक्टर है। म्यू को कहा जाता है समंदर का दिल और जब एक मैकेनिकल रोबोट गॉटेंगो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है तब मैंडा उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उसका गुस्सा ह्यूमंस की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और वो पहुंचता है मेनलैंड। लेकिन फाइनली गॉडज़िला उसे संभाल लेता है। मैंडा का बॉडी स्ट्रक्चर एक चाइनीज ड्रैगन के जैसा है जो मेनलैंड में तो स्लो मूव करता है लेकिन पानी के अंदर वो बहुत फास्ट है। वो सुपरसोनिक वेव्स को जनरेट कर सकता है ड्रैगन के जैसे ही अपने मुंह से फायरबॉल अटैक कर सकता है। लेकिन उसे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है। वो गॉडज़िला के जैसा ही एक नेचर लवर है और मैंडा गॉडज़िला का एक अच्छा दोस्त भी है।
जेट जैगुअर। जेट जैगुअर एक बहुत ही एडवांस रोबोट है जिसे वॉर के लिए बनाया गया है और इसे इन्वेंट करते हैं जैपनीज इन्वेंटर गोरो इबुकी। लेकिन एक दिन इसे सिटोपियंस कैप्चर कर लेते हैं और वो इससे मेगलोडॉन को गाइड करते हैं ताकि वो सरफेस वर्ल्ड पर डिस्ट्रक्शन का एक लेवल सेट कर सके। लेकिन इस डिस्ट्रक्शन को देखकर जैगुअर का AI खुद से ही अपने प्रोग्राम्स को ऑल्टर करता है और फिर वो गॉडज़िला के साथ मिलकर मेगलोडॉन और जीगैन को डिफीट करता है। जेट जैगुअर एक बहुत ही एडवांस रोबोट है। वो ड्यूरेबल है, फिजिकली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसका AI बहुत ही स्मार्ट है। बैटल में वो अपने बॉडी साइज को अपने ओपोनेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। उसके पास फ्लाइट एबिलिटीज हैं, गॉडज़िला के एटॉमिक ब्रेथ की तरह उसके पास भी लिक्विड नाइट्रोजन ब्रेथ है। जैगुअर के नॉकआउट पंच का नाम है राइनो पाउंड। वो किसी भी मॉन्स्टर का होलोग्राम बना सकता है और इसके पास बहुत ही पावरफुल कैनन्स हैं। कुमोंगा। कुमोंगा एक जायंट स्पाइडर काइजू है जो एंशियंट टाइम से शॉगल आइलैंड पर हाइबरनेट कर रहा था। लेकिन एक दिन जब वो ह्यूमंस को अपना खाना बनाता है और मिनीला को कैप्चर करता है तब गॉडज़िला आकर उसे खत्म कर देता है। लेकिन एक दूसरा कुमोंगा गॉडज़िला और गिडोरा के साथ हो रहे फाइट में मोथरा के साथ मिलकर गॉडज़िला को हेल्प करता है। वो गिडोरा को अपने वेब में ट्रैप करता है जिससे गॉडज़िला को एक चांस मिलता है गिडोरा के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करने का। कुमोंगा अपने एनिमीज को ट्रैप करने के लिए वेब्स छोड़ सकता है, अपने स्टिंगर से अटैक कर सकता है, लॉन्ग लेग्स की वजह से बहुत ही फास्ट मूव कर सकता है, उसके पास एनिमेशन का पावर है। कुमोंगा का वीकनेस है फायर। गोरोसॉरस। गोरोसॉरस एक डायनासोर काइजू है जो मोंडो आइलैंड पर रहता है और ये वही है जो लेफ्टिनेंट सूजन वॉटसन और उसके क्रू को अटैक करता है। लेकिन कॉन्ग को वॉटसन से प्यार हो जाता है और वो गोरोसॉरस से भिड़ जाता है। इस फाइट के एंडिंग में कॉन्ग उसके जबड़े को तोड़कर उसे खत्म कर देता है। लेकिन गोरोसॉरस के फैमिली में और भी मेंबर्स हैं जो डिस्ट्रॉय ऑल द मॉन्स्टर के इवेंट में अपने हीरोज को हेल्प करते हैं। अगर इसके फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो फिर ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, अजाइल है और इसका आर्मर ह्यूमन मेड किसी भी वेपन के अटैक को खेल सकता है। मग्यूरा। मग्यूरा स्पेस का एक बहुत ही एडवांस रोबोट है। एलियन इन्वेडर्स मिस्टीरियंस की तरफ से बनाया गया एक एडवांस रोबोट जिसे अर्थ को कॉन्कर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। मग्यूरा का मतलब है मोबाइल ऑपरेशन गॉडज़िला यूनिवर्सल एक्सपर्ट रोबोट एरोटाइप। ये मैकेनिकल मॉन्स्टर एक जीता जागता वेपन आर्काइव है जिसका वेपन्स का लिस्ट बहुत लंबा है। आई लेजर्स, प्लाज्मा कैनन, ड्रिल्स, ग्रेनेड, फ्लाइट पावर्स के साथ साथ ये खुद को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता है जिनमें से एक जमीन पर चलता है और दूसरा आसमान में उड़ता है और इसी तरीके से ये अपने एनिमीज के ऊपर जमीन और आसमान दोनों ही तरफ से अटैक कर सकता है। एक फाइट के दौरान ह्यूमंस इसके प्रोग्राम्स को बदल देते हैं और तब से ये बन जाता है गॉडज़िला का एक बहुत ही अच्छा दोस्त और एक टाइम पर तो ये दोनों मिलकर स्पेस गॉडज़िला को भी डिफीट करते हैं। मिनीला या फिर जूनियर गॉडज़िला। गॉडज़िला मिनीला को एडॉप्ट करता है और ऐसे ही वो बनता है सॉन ऑफ गॉडज़िला, गॉडज़िला के स्पीसीज का सबसे छोटा मॉन्स्टर। सॉगल आइलैंड पर ह्यूमंस मिनीला के एग को फाइंड आउट करते हैं लेकिन एलियंस उस एग को चुराने के लिए आते हैं ताकि वो इसके अंदर रह रहे मॉन्स्टर को गॉडज़िला के अगेंस्ट यूज कर सके। लेकिन गॉडज़िला उस एग को रेस्क्यू करता है और इसके अंदर से निकलता है मिनीला। गॉडज़िला मिनीला को फाइट के लिए ट्रेन करता है जिसके बाद मिनीला खुद को ग्रो करता है और उसका स्ट्रेंथ पावर एबिलिटीज गॉडज़िला के जैसे ही लगते हैं। अगर किंग ऑफ द मॉन्स्टर किसी फाइट में कमजोर पड़ जाता है तो फिर मिनीला उसे मदद करने के लिए आता है। मिनीला गॉडज़िला की तरह ही ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करता है और हाँ वही है किंग ऑफ द मॉन्स्टर के थ्रोन का अगला वारिस। तो यही है कुछ मॉन्स्टर्स जो गॉडज़िला के एलाइज हैं, करीबी दोस्त जिनके साथ गॉडज़िला फ्यूचर में टीम अप करने वाला है ताकि वो अपने से भी पावरफुल वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट्स को एलिमिनेट कर सके। तो यही है वीडियो। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।